तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीएनबी। गाइस, आ चुका हूं फ्री से एक न्यू मजेदार ग्लिच के वीडियो के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही मस्त ग्लिच देने वाला हूं। आप लोग वीडियो में देख सकते हो इस ग्लिच में कितना सारा रेयर रेयर बंडल्स के साथ साथ अपकमिंग ड्रेसेस और बहुत सारे गन के स्किन और ग्लोअल का स्किन भी है। तो आप लोगों को ये ग्लिच जरूर एक बार यूज करके देखना चाहिए, क्योंकि ये ग्लिच बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। आप लोग इस ग्लिच को एक बार जरूर यूज करके देखना, और इस ग्लिच का पासवर्ड मैं वीडियो के किसी भी पार्ट पर दे दूंगा। तो वीडियो आप लोग शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही मजेदार ग्लिच के वीडियो पाने के लिए। अभी आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आप लोगों को ये ग्लिच यूज़ करने के लिए एक फाइल और एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने सिंपली डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो वहाँ से जाके आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको कर लेना है एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वो दूसरा फाइल ढूंढना है। दूसरा फाइल सिंपली डाउनलोड पर रहेगा, तो आपको डाउनलोड पर जाना है। जाने के बाद आपको वो दूसरा फाइल देखने को मिलेगा जो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड किया था। तो उस फाइल को आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ये एस्ट्रिक हेयर का ऑप्शन, तो आपको इस एस्ट्रिक हेयर पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में वीडियो के किसी भी पार्ट पर दे दूंगा, तो वहाँ से देखे आप लोग सिंपली देख सकते हो। तो पासवर्ड देने के बाद आपको कर लेना है एस्टेक। एस्टेक करने के बाद आपको कुछ ऐसा सेम नेम का फाइल देखने को मिलेगा, तो आपको इस फाइल को करना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉम डॉट डिटेल्स वीफाइल, तो आपको इस फाइल को करना है लॉन्ग प्रेस। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको नीचे ये कॉपी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस कॉपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मेमोरी पर जाना है। उस डिवाइस मेमोरी पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड फाइल पर जाना है। एंड्रॉइड फाइल पर जाने के बाद आपको डाटा फाइल पर जाना है। उसके बाद आपको ऊपर ये छोटा सा पेज का आइकन दिखाई देगा, तो आपको इस पेज का आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्लाई टू ऑल फाइल करके रिप्लेस करना है। तो गाइस, यहाँ पे आपका काम खत्म।